हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में जीके के अभ्यास सेट 3 के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी व्याख्या के बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है। बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो सारंगी बजाते हैं। उस्ताद बिंदा खान का जो प्रसिद्ध सारंगी वादक है, उस्ताद बिंदा खान जो हैं प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं, पंडित राम नारायण जी, आसिक अली खान, शाबरी खान और संतोषी मिश्रा, ध्रुव घोष आदि अन्य प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो यह बहुकारक सिद्धांत विकल्प संख्या 2 हो जाएगा। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री प्रोफेसर थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित नेतृत्व बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है और इस सिद्धांत के अंतर्गत नेतृत्व के लिए एक कारक नहीं बल्कि एक से अधिक कारक जिम्मेदार होते हैं और इसके माध्यम के नेतृत्वकर्ता कुशलतापूर्वक संचालन व नेतृत्व करता है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशंड अधिकारी होता है? नौसेना में होता है एडमिरल, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल और थल सेना में जनरल। एडमिरल जो होता है भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। एयर रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय दिल्ली में है और इसको 3 कमान में बांटा गया, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। इन कमान कार्यकारी वाइस एडमिरल होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। कौन सा दिया गया था 11 सूत्रीय? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, या तो इसमें ये तो गलत है। उसके बाद भू राजस्व में 50% की वृद्धि, ये है और ये भी शामिल है, तो इसका हो जाएगा B-2। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 ईस्वी प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर से समझौता करने का प्रयास किया और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया। इसमें सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी गई तथा इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 का समय दिया गया, जो सरकार द्वारा स्वीकार कर दिया गया। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ये हो जाएगा 21 जून। 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है और क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इस कारण 21 जून जो है को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात्रि छोटे होने लगते हैं और क्या होता है फिर, और वहाँ ग्रीष्म ऋतु हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह भारत के राष्ट्रपति, विकल्प संख्या 2। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना का शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है जब विधानसभा या विधानमंडल सत्र में ना हो और राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश 6 माह तक ही प्रभावी होता है अगर उसे विधानमंडल पारित ना करे। अगर विधानमंडल उसे पारित कर देगा जब सत्र शुरू होता है तो वो कानून बन जाएगा। राज्यपाल से कभी भी वापस ले सकता है। जिन विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है तो उसके लिए ये अध्यादेश जारी उस पर नहीं कर सकता राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है? ये भी सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई, ये भी लिखी गई और ये भी लिखी गई, 3 नंबर नहीं लिखी गई, तो इसका 3 विकल्प हो जाएगा सही। कौन सा विकल्प हो जाएगा? 3 नंबर। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड और द वर्ड ऑफ टाइम पुस्तकें सरोजनी नायडू ने लिखी, जबकि द गोल्डन वर्ड जो है इसके लेखक ग्रीम ब्रदर्स हैं, ग्रीम ब्रदर्स। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती वो होती है जिसमें हम कृषि फसल उत्पादन के साथ साथ कोई अन्य व्यवसाय जैसे मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन करते हैं, तो पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, इसका विकल्प संख्या 3 हो जाएगा।
मिश्रित खेती ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें पशुधन के साथ साथ खेती भी शामिल है। जब एक खेत पर फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन जैसे कुछ अन्य कृषि आधार जैसे डेयरी फार्म या मधुमक्खी पालन आदि एक साथ किया जाता है तो खेती किस प्रणाली को मिश्रित खेती के रूप में जाना जाता है। इसे मिश्रित खेती के रूप में जाना जाता है इस प्रणाली को। संख्या 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। बहिनी दरबार समाचार पत्र जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जावा तहसील के डभौरा ब्लॉक से वर्ष 2008 से प्रकाशित किया जा रहा है। और ये जो है ये हस्तलिखित मासिक समाचार पत्र बघेली बोली में प्रकाशित होता है जिसे महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए लिखा जाता है। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ये गुरु थे अर्जुन देव। संख्या 3, अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया। गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। चौथे नंबर के गुरु थे, 5वें नंबर के। इन्होंने अमृतसर नगर और पूर्व नाम रामदासपुर का निर्माण कार्य पूरा कराया और उसमें अमृतसर संतोष नगर नामक तालाब बनवाया था। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। और जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र जो था खुसरो की मदद के आरोप में गुरु को फांसी दे दी थी कि उसके पुत्र की मदद की। इसी आरोप में उसने उससे जो गुरु थे उनके लिए फांसी दे दी थी। किसने? जहांगीर ने।